कैसा चाय का टेस्ट? ठीक है, आते रहते हो इधर चाय पीने ना? हाँ बराबर। क्या बात है, क्या बात, देख सकते हो गाइस चाय का टेस्ट एक नंबर है, सर ने बता दिया। तो देखो गाइस दूध को पका लिया गया है अच्छे से, देख सकते हो भैया पूरा अंधेरा हो गया क्योंकि लाइट भाग गया है पूरे कॉफी गाँव में, देख सकते हो। तो गाइस एक नॉर्मल इंसान का पेट कहाँ तक भरता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पैर है ना, ये देख सकते हो, ये पैर यहाँ से लेके सो है। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग्स। तो गाइस कैसे हो, सबसे पहले तो आप हालचाल बताते नहीं हो अपना यार, जो भी हो। तो गाइस चाय तो सबने पिया होगा यार, कोई नॉर्मल चाय पीता है, कोई ग्रीन टी पीता है। आज मैं आपको लेके आया हूँ कोपरी गाँव, और मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसी चाय की दुकान जहाँ भैया मतलब ऐसी चाय मिलती है कि आप पियोगे तो आपको बचपन की याद आ जाएगी। तो क्या है वो चाय, चले चल के दिखा दूँगा। तो भैया ये है शॉप का नाम भाग्यश्री, ये लिखा भी है मराठी में लिखा है, गुड़े से चाय पता नहीं मेरे को पढ़ना नहीं आता है, पर यहाँ पे देखो आंटी है हमारे। तो चलिए चलते हैं, पूछते हैं आंटी के पास क्या क्या स्पेशल चाय लगवा के अपने लिए। तो ये हमारी आंटी है, तो चलिए चलते हैं आंटी के पास। हेलो आंटी, नमस्ते आंटी। नमस्ते, कैसे हो आप? ठीक है। तो आंटी मतलब क्या स्पेशल चाय है आपके पास? मतलब अच्छा गुड़ का स्पेशल चाय। तो मतलब कब से बनाते हो, मतलब क्या टाइमिंग रहता है दुकान का? सुबह 6 से रात 10। अच्छा कब से बना रहे हो मतलब चाय? एक साल हो गया। अच्छा एक साल हो गया है। अच्छा मतलब इधर ही बनाते हो कि देने भी जाते हो? किधर देने भी जाते सर। अच्छा अच्छा ठीक है। तो चलिए क्या बना रहे हैं आंटी दिखा देता हूँ मैं आपको, किस स्पेशल चाय आंटी कैसे बनाती क्या बनाती दिखा देता हूँ आपको। तो चलिए भैया यहाँ पे देखते दूध आंटी ने डाल दिया है यहाँ पे। आंटी कितना कप की दूध डाला इसमें? 1.5 लीटर दूध है। तो मतलब अगर कोई एक कप दो कप चाय मांगे तो ऐसा बना नहीं सकते ना डायरेक्ट? नहीं बना सकते। चल, 1.5 लीटर का या 3 लीटर, मतलब एक ही बार बनाना पड़ता है? हाँ एक ही। ओके तो देखो गाइस दूध को पका लिया गया है अच्छे से कम 3 से 4 बार दूध को पका लेते हैं, फिर उसके बाद डालते हैं यहाँ पर आ जाएगा आंटी इसको थोड़ी देर तक ना। तो गाइस यहाँ पे फिर से दूध को अंडी इतना पकाए, फिर से पत्ती डालने के बाद फिर से पकाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं भाई, चाय बना दिया सीधा पत्ती डाल दी हटाओ भाई, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कम से कम आधे घंटे तक पकाया जाएगा अच्छे से, चीनी डाल के पत्ती डाल के। आंटी पकने के बाद आंटी अब क्या डालने जा रहे हो उसमें? अच्छा आप गुड़ डालने जाते हो, देख सकते हो गाइस यहाँ पे आंटी। तो कितना गुड़ होता है टोटल? ये 150 ग्राम गुड़ है, क्या बात है। तो देख सकते हो गाइस गुड़, क्या बात। तो देख सकते हो गाइस ये वही चाय है, बचपन में अगर एक टाइम था हमारे पास कि जब हमारे घर पे चीनी होता था तो गुड़ डाल के चाय पीते थे। तो मैं मेरे को बताया किसी ने कि यहाँ पे मिलता है करके, तो उसी मतलब चाय को मद्देनज़र रखते हुए मैं आ गया इधर आंटी के पास, क्योंकि आंटी बहुत अच्छी चाय बनाती है, अभी पी के भी बताएंगे आपको। और भैया गुड़ की चाय है तो सोचा भैया बचपन की यादें ताज़ा कर लिया जाए, इसलिए मैं इधर आया चाय बनाने मतलब पीने के लिए। तो आंटी अभी ये बन के रेडी है ना? रेडी है, क्या बात, देख सकते हो गाइस बन के रेडी है चाय, अभी यहाँ पे टेस्ट करके बताएंगे आपको क्या है कैसे, क्या बात है। तो देख सकते हो भाई चाय बन के रेडी है, आंटी ने बहुत ही प्यार से बनाया है। इस चाय को मैं स्पेशली इसलिए पीने आया क्योंकि ये गुड़ की चाय है, और ये बचपन की मतलब यादें ताज़ा करने के लिए इसलिए मैं इधर चाय पीने के लिए आया, सोचा आपको भी दिखा दूँ थोड़ा क्या है कैसा है। कैसा चाय का टेस्ट? बहुत
आते रहते हो इधर चाय पीने ना? हाँ बराबर। क्या बात है, क्या बात, देख सकते हो गाइस चाय का टेस्ट एक नंबर है, सर ने बता दिया इधर। तो यार गाइस अभी एक लोचा हो गया है, लोचा क्या हो गया आप देख सकते हो, वीडियो का क्वालिटी कैसा आ रहा है, वीडियो का क्वालिटी इसलिए ऐसा आ रहा है क्योंकि भैया लाइट भाग गया है पूरे कॉफी रूम में। अरे देखो चाय भाई, देख सकते हो भैया पूरा अंधेरा हो गया क्योंकि लाइट भाग गया है पूरे कॉफी रूम में, देख सकते हो। तो चलिए गाइस यार मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि ज़्यादा शूट करूँगा नहीं, क्योंकि दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, खाली मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। बेकार हुआ, बहुत बेकार, इसको बोलते सबसे बड़ा मतलब बेकार किस्मत यार, मतलब वीडियो शूट करते करते भैया लाइट ही भाग गई है। छे गाँव में भैया लाइट नहीं है, देख सकते हो पूरा लाइट नहीं है कहीं। वो सीन ये हुआ, मैं गया था कोपरी गाँव वीडियो शूट करने भैया, तो वीडियो शूट करते करते भाग गई लाइट। अब इससे ज़्यादा मेरे मतलब इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है मेरे साथ यार। वो भागे सीन मैंने आपको दिखा दिया है, कैसा अंधेरा अंधेरा आ रहा था पूरा, हद है यार, मतलब